इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 जनसंख्या भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आयु संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना कहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। आयु मतलब उम्र, उम्र को कैसे बताता है कि कोई भी जनसंख्या, कोई भी जनगणना। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। जो जनसंख्या है उसके मूल विशेषताओं में से एक है एक व्यक्ति की आयु, उसकी उसकी इच्छा, खरीदारी। उसकी आयु जो है, उसका आयु क्या समझ ले लो, आयु उम्र वाला समझो अभी, ठीक है। उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों, बुढ़ो जिसको बोलते हैं वृद्ध, वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारित होती है। अब देखो, हर क्षेत्र में एक निर्धारित डाटा होता है समाज में कि लड़का इतना, लड़की इतना, वृद्ध इतना। तो वृद्ध में दोनों आ जाएंगे ना, बुढ़ा बुढ़ी, लड़का में बच्चा बच्ची दोनों, और यंग बच्चा जिसको बोलते हैं किशोर अवस्था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः तीन वर्गों में बांटा जाता है, जैसे बच्चे, वयस्क और वृद्ध। बच्चे सब आ जाएंगे, वयस्क जो व्यापार करता है चाहे नौकरी करता है, और वृद्ध में आ जाएंगे जो आउट ऑफ रिटायर लोग होते हैं। तो बच्चों का उम्र 0 से 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, उत्पादनशील मतलब पके हुए नहीं होते हैं, इन तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जो माँ बाप सरकार करवाती है। अब वयस्क, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जो है जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। अब देखो, ये जो वयस्क लोग हैं ये पके लोग होते हैं, ये उत्पादनशील लोग होते हैं, ये उत्पादन कर सकते हैं। जैविक रूप से जनसंख्या मतलब लैंगिक सेक्स करके बच्चे को पैदा कर सकते हैं, यही लोग हैं जो जनसंख्या का कार्यशील है, मतलब यही लोग नींव रखते हैं जनसंख्या को बढ़ाने में। अब वृद्ध, वृद्ध में आ जाएगा 59 साल से ऊपर, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, ये रिटायर लोग होते हैं, ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं अपने मन से, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। अब इनकी नियुक्ति कहीं नहीं हो सकती है। अब देखो, बच्चे की जनसंख्या अपने देश में है 34 2011 के जनगणना के अनुसार 34.4%, वृद्धों की 6.9%। अब जो 15 से 59 के बीच में है उनका 58.7% लोग जो हैं, वे लोग ही होते हैं जो जनसंख्या को बढ़ाते हैं और जनसंख्या को कम करना चाहते हैं। उम्र संरचना यही बोलता है, यही है उम्र संरचना, इसी को बोलते हैं आयु संरचना। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। देखो, जो जनसंख्या के आश्रित लोग होते हैं उसको प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्र 6.5 में दर्शाया गया है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। अब है क्रियाकलाप। एक नंबर, अपने क्षेत्रों में ऐसे कितने बच्चे को जानते हैं जो कि घरेलू सहायकों एवं श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। दो नंबर, आपके क्षेत्र में कितने वयस्क बेरोजगार हैं, आप इसके कारणों के बारे में क्या सोचते हैं। ये सब आपको सोचना है और इसका जवाब आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लास में। अब देखते हैं लिंग अनुपात कि कितना जनसंख्या कितना किसका है, लड़का लड़की का कितना है। यहाँ पर किन्नरों की तो बात ही नहीं होती है ना। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है।
जब जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2011 के बीच के लिंग अनुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया है, जो आपको ऊपर दिखाया जा चुका है। इधर को आप देखो, सारणी भारत के लिंग अनुपात 2051 से 11 तक, 1951 से 2011 तक, मतलब 1000 पुरुषों पर कितना, देखो 1951 में 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर 61 में 941 महिलाएं हैं। अब 2001 में चलाओ, 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। अब 2011 में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का ही समान है, मतलब एक समान जीवन है उन लोगों का। जीवन क्या, उन लोगों का जनसंख्या है, मतलब 1000 लड़का है तो उनके उनके अनुसार 943 लड़की ही जन्म लिए है, मतलब 7 लोग कुंवारे मर जाओ, उनका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए लवंडिया पटालो अभी नहीं, नौकरी वगैरह करने के बाद। क्या आप जानते हैं केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, मतलब केरल में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कों की संख्या कम है, इसलिए केरल भागो, वहां की लौंडियां अच्छी होती है, काली काली। पौंडीचेरी में प्रति 1000 पर 1038 लड़कियां हैं, अच्छी हैं, वहां पर पूरा बारिश वगैरह होता है। जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 886 तथा हरियाणा में प्रति 1000 पर केवल 866 कहाँ है, दिल्ली में और हरियाणा में 877 ही मतलब लड़कियों की संख्या है। इस प्रकार के विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, और किस कारण वर्ष ऐसे मतलब अलग अलग इनमें बर्ताव आ रहा है, अलग अलग प्रकार दिख रहे हैं कि लड़कों की जनसंख्या ज्यादा है तो लड़कियों की कम है, लड़कियों की ज्यादा है तो जहां लड़कों की कम है। देखिए मालूम चलता है कैसे, सबसे अधिक महिलाएं साक्षरता दर कौन से राज्यों की है, ऊपर देखते हैं। साक्षरता दर, साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अस्पष्ट, केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमान बुद्धिमतापूर्ण निर्णय ले सकता है, मतलब दिमाग से काम कर सकता है, कौन, जो पढ़ा लिखा हो, जागरूक लोग हो, तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। कैसे, 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, कोई भी व्यक्ति जिसका आयु 7 वर्ष है चाहे उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब जो पढ़ा लिखा, थोड़ा जागरूक, थोड़ा शिक्षित, वे हैं जो साक्षर श्रेणी में आते हैं। भारत के साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है एवं महिलाओं की 64.6% है। मतलब जहां पर 80.9% पुरुष पढ़ाई करते हैं, साक्षर बन रहे हैं, वहां पर 64.6% महिलाएं जो है वे पढ़ाई कर रही है, वही साक्षर बन रही है। अभी भी महिलाओं में करीबन 36-37% लड़की जो है वो पढ़ नहीं रही है, क्योंकि उसके घर वाले नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ लिख कर क्या करेगी, बाद में तो चूल्हे चौका करना है ना, यही लोग सोच कर आगे नहीं बढ़ने देता है। अरे भाई लड़कियों को आगे बढ़ने दो, तभी तो समझ पाएगी ना हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, नहीं समझ पाएगी तो उसकी दिक्कत। वयस्क संरचना है, अब देखो कितने लोग व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है।
अब देखो जनसंख्या का प्रतिशत ही विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक जनसंख्या व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले विभिन्न भिन्न भिन्न लोग होते हैं, मतलब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग नौकरियां करते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीय में कौन आता है, तृतीय में कौन आता है, चलिए जान लेते हैं। प्राथमिक में आते हैं जिनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन, जिसको मत्स्य पालन बोलते हैं, खनन आदि क्रियाएं शामिल है, जो प्राथमिक क्रिया है। द्वितीय क्रिया जिसमें आता है उत्पादन करना, जिसमें उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य को करना, ये द्वितीय है। तीसरा है क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, कहीं सामान को इधर से उधर ले जाना, किसी चीज को देना लेना, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन मतलब पुलिस, सेवाएं मतलब जो इंटरनेट से सर्विस देता है, सेवा देता है किसी को, जिसमें टीचर, टीचर भी तृतीय में आता है, तीन नंबर में। अब विकसित एवं क्रियाशील देशों में विभिन्न क्रियाओं में कार्य करने वाले लोग का अनुपात अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग लोग काम करते हैं। विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। अब दूसरे देशों में चले जाओ तो द्वितीय श्रेणी में लोग ज्यादा काम करते हैं, तृतीय में ज्यादा काम करते हैं, लेकिन प्राथमिक में बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि वहां पर जमीन एक ही का ज्यादा है, बाकी सबका नहीं है, वो लोग बाजार से खाएंगे, बस हो गया। विकासशील देशों में प्राथमिक कार्यकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है, जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उन लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। भारत के 64% जो लोग हैं वो खेतीबाड़ी करते हैं, क्या करते हैं, खेतीबाड़ी। जो पुराने लोग हैं वही खेतीबाड़ी कर रहे हैं, नए लोग खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, नए लोग बस केवल लवंडियाबाजी करते हैं। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यकर्ता लोगों की संख्या का अनुपात क्रमश 13% तथा 20% है हिंदुस्तान में। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है, मतलब जो दो नंबर या तीन नंबर पे है उसमें व्यावसायिक परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के वजह से स्टाफ चाहिए, लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, कंपनी चाहिए, सामान चाहिए, तो भाई सब चीज़ तो चाहिए ना, इस सब को हैंडल कौन करता है, लोग करते हैं, लेबर करते हैं, मजदूर करते हैं, मैनेजर करता है, डायरेक्टर करता है, तो इन लोगों की संख्या बढ़ रही है। जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कोटा फैक्ट्री में जाकर कुछ भी पढ़ लेते हैं। एक तो हमारा दोस्त है जिसका नाम है संदीप, पूरा नाम नहीं बताएंगे, संदीप कुमार उसको बोला जाता है, हम लोग बोलते थे, क्लासमेट है मेरा। वो बोला क्या, अरे भाई क्या इधर उधर का बात पढ़ रहे हो, चलो ये कोचिंग का पढ़ो, ये यूट्यूब पर एक चैनल है उसका पढ़ो। क्यों पढ़ो, क्योंकि वहां पर मैडम बहुत हसीन हसीन सेक्सी सेक्सी मैडम होती है। हम बोले बेटा सेक्सी पढ़ो नहीं, सेक्सी लोगों को देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, लेकिन अगर उनके अलावा अपने से सेल्फ स्टडी बुक पर कर लेते हो तो तुमको हराना, तुमको फेल करना किसी के दम का बात नहीं हो जाता है, तुम एकदम आउट ऑफ रेंज चले जाते हो, जिसको हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। याद रहेगा, कभी भी अपने आप को, अपने माँ बाप को चीट मत करना। माँ बाप को तो चीट कर लोगे, लेकिन अपने आप को कैसे चीट करोगे। जब तक माँ बाप है ठीक है, माँ बाप नहीं रहेगा तो फिर अपने आप को चीट कर पाओगे क्या, रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे, सुबह खाओगे तो शाम के लिए सोचना पड़ेगा ये खाना कहाँ से बनेगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है, खाना बनाना भी सीखो, खेलना भी सीखो, मजदूरी भी सीखो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखो,
हर चीज में निपुण रहो। कंप्यूटर सीखो, मोबाइल सीखो, ट्रैक्टर चलाना सीखो, बाइक चलाना सीखो। 9th क्लास में हो यार, बाइक चलाना सीख सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जॉब कर सकते हो, कुछ भी करो, पापा का हाथ बटा दो। बिजनेस है तो पापा के साथ चले जाओ। टीचर हो, अगर पापा टीचर हैं तो तुम भी कोचिंग पढ़ा लो बच्चे को, ठीक है? अगर कोई घर में काम चल रहा है तो उसमें हाथ बटा दो, कोई कैटरिंग का काम करता है तो उसमें हाथ बटा दो, अगर कोई ये टेंट समियाना का काम करता है, टेंट वाला, तो उसमें हाथ बटा दो, कोई स्कूल संभालता है तो उसमें हाथ बटा दो। कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि यही उम्र है सीखने का। हम खुद 9th क्लास 8th क्लास में जितना इलेक्ट्रिक का काम करते थे, उतना समझो कि ITI पढ़ने वाला आज का लड़का भी नहीं कर पाता है। हम सोल्डिंग करना जानते थे, किट बदलना जानते थे, किट बनाना जानते थे, टीवी बनाना, स्टेबलाइजर बनाना, इन्वर्टर बनाना, बैटरी ठीक करना और बाइक ठीक करना, साइकिल ठीक करना सब जानते थे। काटी ठोकते थे, बेंच बनाते थे, पंखा बनाते थे, बोर्ड बनाते थे। हमारे स्कूल में भी पूछोगे ना, अभी तो नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे स्कूल में जाकर भी कभी पूछोगे, सारा सेंट्रल स्कूल छपरा के, तो जो पुराने टीचर होंगे वो भी बोलेंगे हम पंखा बनाते थे, फ्यूज बनाते थे, बोर्ड सुधारते थे, अगर बेंच खराब हो जाता था तो बेंच बना देते थे। ये सब कलाएं सीखना पड़ता है। ये हर तरीके से हर चीज में निपुण रहो, सब चीज सीख डालो। क्या करो, सब चीज को सीख डालो। जो कार्य नहीं आता है उसे भी कर लो। अगर कोई बोलता है ना ये कार्य कर लो, ये काम कर लो बेटा, तुम आज तुमको नहीं आता है ना, फिर भी मत बोलना कि नहीं आता है। तुम लगो, 1 दिन लगो, 2 दिन लगो, 3 दिन लगो, 4 दिन लगो, कभी ना कभी तो वो चीज हो जाएगा, बन जाएगा। तो ऐसे ही काम किया जाता है तो ही दुनिया देश में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है? तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।